नमस्कार प्रणाम, हम हई रहो भाई रहो दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। तो उहे चैनल बत कही लेके फिर आ गई बनी आ सब्सक्राइब करी आ जन रुआ हमरा के सब्सक्राइब कर तनी बहुत बहुत धन्यवाद। एकरा खातिर जनिए भोजपुरी के मान सम्मान रुआ बढ़ाओ तनी जनिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल यानी हमरा के हमारा गीत संगीत आ हमरा टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी आ बड़े बड़े कैसेट कंपनी डीएफ कंपनी से हमरा गीत संगीत के जन प्यार आशीर्वाद देता नहीं ओइया ये बत कही ये भोजपुरी के सम्मान रुआ बढ़ाओ तनी आ सब्सक्राइब कर तनी शेयर कर तनी ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ा के आ बात पहुंचाओ तनी ओकरा खातिर बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आज एगो बड़ा खबर लेके आई बनी, आज एगो अइसन खबर लेके आई बनी जौन सुन के रुआ आश्चर्य जैसे अपने घर पर था है ना, बाहर बैठा था, थोड़ा सा तबीयत खराब था, बाहर बैठा था चेयर पर और जैसे कि हवा चला और बिजली इसके सर मतलब तार इसके ऊपर से जा रहा था तो वहीं टूट कर गिर गया और सोचा कि क्या हमारे शरीर पे गिरा। जैसे ही कुछ देखा कि हम गिर गया है तो हाथ में उसको आ गया। उनका नाम क्या है? हरे राम राम ग्राम पड़ी थाना घुटने। आप कौन लगते हैं? हम तो गांव के हैं, हम वहाँ के वार्ड सदस्य उपमुख्य हैं। देखिए गुठनी थाना के पड़ेरी गांव के हरे राम राम नाम युवक है और इस दरवाजा के सामने बैठे थे तभी ऊपर से बिजली के तार बहुत पुराना खींचा गया है और बिजली विभाग के द्वारा किसी न किसी कारण लापरवाही के चलते घटना घटा है। अगर बिजली विभाग की तरफ तार नया रहता, अगर तार नहीं टूटता तो आज ये व्यक्ति का जान नहीं जाता। ताकि कोई व्यक्ति का जान वापस नहीं कर सकता है। ताकि बिजली विभाग से मांग करता हूँ कि जो इसका नियम है कानून है कि कोई भी व्यक्ति की अगर बिजली के चपेट में आने से मृत्यु हो जाता है उसको आपदा के तहत 4,00,000 रुपया दिया जाता है और बहुत निर्धन है कि उस व्यक्ति को भी परिवार के और आश्रित को लाभान्वित करने का उस विभाग से मुआवजा दिया जाता है। तो वैसे परिस्थिति में मैं बिजली विभाग से ही मांग करता हूँ और जिला के पदाधिकारी और अंचल अधिकारी से कि बहुत निर्धन परिवार है वो भी अपने तरह से इस व्यक्ति को भरपाई करे, मुआवजा दे, अगर घर नहीं है तो घर बनाने का काम करे। यही हमारा जिला प्रशासन और बिजली विभाग से सुनी आ ए भोजपुरी चैनल के यानी बतकही चैनल के सब्सक्राइब करी शेयर करी।